मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज का कमेंट है कि सर क्वेश्चन नंबर 6, 6, 8, 13, 14, 15 बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद से जो है 8 का सॉल्यूशन देखेंगे अगली वीडियो में, और इसी का जो है 13, 14, 15 एक जो है वीडियो बनेगा, ठीक है। तो इस जो है वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो समरूप त्रिभुजों में से एक का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी तथा एक भुजा का वर्ग 36 वर्ग सेमी है। यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेमी है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और इसका सूत्र होता है, सूत्र से हम लोग जो है लिखेंगे सूत्र से, और इसका सूत्र होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसी त्रिभुज का जो है एक भुजा का वर्ग, ठीक है। तो एक भुजा का वर्ग, एक त्रिभुज की भुजा का वर्ग, ठीक है ना। माने जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, पहला त्रिभुज यहाँ पे है ना, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसी तरह से पहले त्रिभुज का जो है एक भुजा का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे एक त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग बटे एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, दूसरे वो संगत होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 48 वर्ग, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे 48 वर्ग सेमी, बटे में जो है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा एक त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग। तो देखिए एक त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग यहाँ देखिए 36 वर्ग दिया है, वर्ग में ही दिया है, वर्ग सेमी है, और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेमी है, 24 वर्ग वर्ग करके ही दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग को जो है वर्ग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है काट सकते हैं इसको, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं ना। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने 48 का 2 में गुणा हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू 3 हो जाएगा, मैंने इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो 2 का 48 में गुणा करेंगे तो 48 × 2 हो जाएगा, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 × दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 3 को चाहे तो इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो बराबर के इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 48 × 2/3 बराबर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फिर से समझ लीजिए भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 48 बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ज्ञात करना है तो यही सही रहेगा। और यहाँ पे दिया है एक वर्ग, एक त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज के हुए संगत भुजा का वर्ग है, ठीक है। तो 36/24 कर देंगे, 12 से काट लेंगे, मतलब कोई ऐसा अंक लेंगे जिससे दोनों कट जाए, तो 12 है, 12 से जो है दोनों कट जाएगा, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 3/2 हो गया,
तो हम लोग लिख सकते हैं कि 48 बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और 3/2, या यहीं से अब हम लोग जो क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुणा कर लिया तो 48 × 2 हो गया, अब बराबर हो गया 3 × दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो हमने 3 को जो है या इधर पक्षांतर कर दिया, तो जो बट्टे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग 3 से काट सकते हैं, 300 रोहम 48 हैं, और 16 दूना 32, तो जो है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 32 वर्ग सेमी, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 32 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख दीजिए अभीष्ट, अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका कितना, 32 वर्ग सेमी, ओके। अब हम लोग, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।